हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी फ्रेमिंग क्लास। आज हम देखने आ रहे हैं डेली करंट अफेयर का लेक्चर। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, हमारा चैनल सब्सक्राइब करके पास में रिंग बेल बटन पे क्लिक करना ना भूलिए। आज हम देखने आ रहे हैं डेली करंट अफेयर का 1/11/2019 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो एग्जाम में जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो चलते हम पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है करंट अफेयर का, ध्यान रखिएगा, भारत खेलेगा अपना पहला डे नाइट टेस्ट मैच। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहला है जिस कारण से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो रहा है। और ये कौन से गार्डन में खेला जाएगा और कब से कब तक खेला जाएगा उसके बारे में देख रहे थे। भारतीय क्रिकेट टीम बांग्लादेश के खिलाफ अपना पहला डे नाइट टेस्ट मैच जो है की शुरुआत करेगा। यह मैच 22 से 26 नवम्बर और कहां पर चलेगा, ध्यान रखिएगा, ईडन गार्डन कोलकाता में ये खेला जाएगा, भारत का पहला डे नाइट टेस्ट मैच। ठीक है, 22 से 26 तारीख को और कहां पर, ईडन गार्डन में खेला जाएगा। इसमें सारी चीजें होगी, डिनर ब्रेक और ये सारी चीजें इसके शामिल रहेगा। 2 बजे से स्टार्ट होगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग। अब देख रहे हैं इसमें एक और विशेषता जो है, इस टेस्ट मैच में पहली बार SG पिंक बॉल का उपयोग किया जाएगा, तो जिस कारण से और इम्पोर्टेंट बन जाता है। आपसे क्वेश्चन यू पूछा जा सकता है कि कौन सी बॉल से पहली बार भारत और बांग्लादेश के बीच में डे नाइट टेस्ट मैच खेला गया। तो ध्यान रखिएगा, SG पिंक बॉल का उपयोग करा गया था और कहां पर खेला गया है, ईडन गार्डन कोलकाता में खेला जाएगा। तो ध्यान रखिए, करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 क्वेश्चन। और BCCI के अध्यक्ष कौन है, तो ध्यान रखिए, सौरभ गांगुली बने हैं। और इसका BCCI का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बिहार और राजस्थान के बाद किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाले को पूर्णतः प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट जो है उन्होंने पूर्णतः प्रतिबंध लगाने का फैसला करा गया है गुटखा और पान मसाले के लिए। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 35वां आसियान शिखर सम्मेलन हाल ही में किस शहर में आरंभ हुआ। ध्यान रखिएगा, ये बैंकॉक शहर में 35वां आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। अब इसके बारे में जो आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन या पुराने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे मिसलेनियस विविध के क्वेश्चन रहते हैं, तो उसकी तरफ भी थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं दोस्तों। 35वां था और ये बैंकॉक में होगा। अब देख लेते हैं, 35वां आसियान शिखर सम्मेलन 31 अक्टूबर से 4 नवंबर तक चलेगा, बैंकॉक थाईलैंड में शुरू किया गया। इसका मेन विषय जो है, ध्यान रखिए, एडवांसिंग पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबिलिटी, इसका जो इस वर्ष का विषय सब्जेक्ट रखा गया है, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। और इसी से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन और बताना चाहूंगा, जो एग्जाम में अक्सर आपको देखने को मिलता है कि आसियान जो कंट्री है उनमें कौन कौन सी, आसियान जो समिट जो है वो सारी चीजें जो सम्मेलन जो है उसमें कितनी कंट्री भाग लेती है, तो ध्यान रखिए उसमें टोटल 10 कंट्री है। तो इसमें हमने ट्रिक भी बनाई है, तो ध्यान रखिए, ट्रीन आसियान की आसियान के CM का सीम और BPL की जो TV थी वो क्या हो गई, चोरी हो गई या खो गई। तो जिस कारण से, देखिए, सी से क्या हो गया, कंबोडिया, एम से क्या हो गया, म्यांमार, एस से सिंगापुर, आई से इंडोनेशिया, एम से मलेशिया, बी से बुनोई, पी से फिलीपींस, एल से लाओस, टी से थाईलैंड और वी से वियतनाम। ये टोटल 10 कंट्री है। तो इसको पूरा 35वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ और इसके जो नाम है, आप ट्रिक के साथ नीचे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते दोस्तों हम। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस शैक्षणिक संस्था के लिए एंडोमेंट फंड का लॉन्च किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने IIT दिल्ली जो है उनके लिए फंड लॉन्च किया गया है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं दोस्तों। CPI के किस पूर्व सांसद और दिग्गज नेता का हाल ही में निधन हो गया है। तो ध्यान रखिएगा, पूर्व सांसद और दिग्गज जो है इनका हाल ही में निधन हुआ है, जिनका नाम था गुरुदास दास गुप्ता। ध्यान रखिए, गुरुदास दास गुप्ता इनका नाम है, इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। चिली जो है, चिली के द्वारा COP25 सम्मेलन का आयोजन रद्द करना पड़ा।
अब ये जो COP25 जो है ये सम्मेलन कहाँ पर होगा ये पूछा गया है। अब चिली में इसलिए इसलिए रद्द कर दिया गया है क्योंकि अभी वहां पर बहुत सारी चीजें चल रही है, जैसे दंगे फसाद हो रहे हैं, जिस कारण से इसको वहां पर रद्द करा गया है। और ये COP25 सम्मेलन दूसरी कंट्री में होगा, तो ध्यान रखिएगा ये स्पेन जो कंट्री है वहां पर ये COP25 सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने हाल ही में पहली बार, ध्यान रखिएगा पहली बार की बात कर रहे हैं, पहली बार इंडियन ब्रेन एटलस तैयार किया गया है। तो ध्यान रखिए IIT हैदराबाद ने पूरे ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, भारतीय ब्रेन का स्ट्रक्चर का पहली बार एटलस लॉन्च करा गया है। इसके बारे में थोड़ी सी हम डिटेल और देख लेते हैं दोस्तों। IIT हैदराबाद की टीम ने भारत का पहली 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 बार भारतीयों के दिमाग को लेकर एक एटलस, ठीक है, ध्यान रखिए इंडियन ब्रेन एटलस तैयार किया गया है, जिसे इसमें पाया गया है कि भारतीय लोगों के मस्तिष्क का आकार पश्चिमी देशों, ठीक है, पश्चिमी देशों की तुलना में छोटा होता है। इंडियन ब्रेन एटलस कौन से डिटेल है, एटलस की जानकारी के न्यूरोलॉजी इंडिया नामक मेडिकल जनरल में प्रकाशित किया गया है। शोध में यह पता लगा है कि मस्तिष्क जो है, भारतीय मस्तिष्क जो है, लंबाई चौड़ाई और घनत्व, घनत्व होता है डेंसिटी, में पश्चिमी देशों के मुकाबले की अपेक्षा में क्या होता है, छोटा होता है। अकॉर्डिंग ये सारी चीजें बताइए और ये चीज बताइए IIT हैदराबाद में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के बाद, ठीक है, जम्मू कश्मीर में जो रेडियो चलता था उसका नाम बदल के, रेडियो कश्मीर का नाम बदल के क्या रखा गया है, तो ध्यान रखिए ऑल इंडिया रेडियो कश्मीर उसका नाम रख दिया गया है। नया नाम पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को भी नोट डाउन ऑफ कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस से हाल ही में 28वां, ध्यान रखिए 28 व्यास सम्मान प्रदान किया गया है, तो ध्यान रखिएगा 28वां व्यास सम्मान लीलाधर को दिया गया है। अब इनकी जो कृति थी उनके बारे में देख लेते हैं, चरा से पूछ भी सकते हैं, अगर जिनका SI की एग्जाम रहती है तो उन हिंदी के वेटेज में कृति और ये सारी चीजें आती है। तो ध्यान रखिएगा लीलाधर जो है उनको 28वां व्यास सम्मान दिया गया है। उन्होंने 2013 में एक बुक लिखी थी, प्रकाशित कृति करी थी, जिसमें था जितने लोग उतने प्रेम के लिए उन्हें इनकी कृति थी, जिस कारण से उन्हें 28वां व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मत था दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में शासकीय प्रदेश पुलिस के नए, ठीक है, पुलिस के नए, हेडक्वार्टर जो है का उद्घाटन करा गया है अमित शाह ने। तो ध्यान रखिएगा दिल्ली पुलिस के जो है नया हेडक्वार्टर जो है उसका लॉन्च करा गया था अमित शाह द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगली चीज भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा एयर इंडिया ने अपने विमान पर बनवाया एक ओमकार नाम का जो चिन्ह जो है, जिसे आप देख सकते हैं नीचे प्रदर्शित करा गया है, जिसे रेड के ऊपर प्रदर्शित करा गया। तो आपसे पूछ सकते हैं कौन सी एयरलाइन जो है उसने ओम का चिन्ह जो है उसके पिछले हिस्से पर एक ओम का चिन्ह जो है वो बनवाया है। तो ध्यान रखिएगा एयर इंडिया ने ये चिन्ह को क्या करा है, अपने जो बैक पोर्शन पे ये जो देख रहे हैं आप वो चीज ओम के चिन्ह को बनवाया गया है। ध्यान रखिएगा विमान का नाम भी पूछ सकते हैं, Bugoi 787, ठीक है, विमान जो है इसके पीछे जो टेल जो है उसके ऊपर ओम का निशान बनवाया गया है। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर के। आपको ये लेक्चर कैसा लगा नीचे जरूर बताइएगा। थैंक यू।